सो गाइज वेलकम बैक, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है डे टू मनाली के अंदर। जैसे कि आपको पता है आज हमें अपने एडवेंचर पर निकलना था पर नहीं निकल पा रहे हैं वेदर की वजह से, क्योंकि सुबह से यहाँ पे बारिश हो जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो एक कॉल आ गया। सो बारिश की वजह से हम अपने एडवेंचर पर तो नहीं जा पा रहे हैं, इसको थोड़ा डिले करना पड़ेगा। पर अब यहाँ पे रूम में बैठे बैठे इरीटेट भी हो गए, मतलब सुबह से बैठे हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सैम भाई और मैं रेडी हो चुके हैं, तो अभी क्या प्लान है कि सैम भाई अभी दूसरी जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि यार वो बोल रहे हैं भाई आ जाओ। नहीं तो, ये रीज़न भी है कि अगर हम लोग एक साथ रहेंगे ना तो यार वो सेम कंटेंट रिकॉर्ड होता है, थोड़ा अलग कंटेंट भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, आप लोग दोनों को अलग कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। यार देखो इतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा वो फ्रीनेस नहीं रहती है दूसरों के साथ कंटेंट शूट करने, पर थोड़ा बहुत जो शूट पाएगा मैं शूट करूँगा। होटल के पास में एक वाटरफॉल है, काफ़ी बढ़िया है और अनटच्ड है, तो वहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है वाटरफॉल और उसके बाद फिर हम कुछ प्लान करते हैं शाम को। भाई यहाँ तो हो रही है बारिश और दिक्कत क्या हुई, मेरे फ्रेंड्स वो लोग जा चुके हैं गाड़ी में, उनको होटल में अगर पता नहीं चला तो अब यहाँ पे होटल वाले भाई हैं वो मेरे को छोड़ देंगे आगे तक। बारिश में मज़ा आने वाला है। भाई मैं नीचे जा रहा था, किसी को बच्चा रोने लग गया, रात के 3 बज रहे। ओ भाई साहब, तुम 3 बजे ऐसी हरकत करोगे तो डर तो लगेगा। पानी ले आया। सैम भाई, भाई 9 बज गए यार। तो सब उठाना भाई, निकलना है आज, वीडियो तो बना रही है। उठो
गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली द डे हैज़ कम। आज हमारा निकलने का पूरी तैयारी है क्योंकि आपने देखा मौसम पूरा क्लियर हो चुका है और सो लास्ट दो दिन से रेनफॉल हो रही थी जिसकी वजह से ऊपर पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हो गए। आप पीछे देख पा रहे हो, ये देखिए पूरा वाइट वाइट दिख रहा है आपको, पीछे ये पूरा वाइट दिख रहा है आपको, पूरा बर्फ़ गिर चुकी है। जो हमारा ट्रैक है उस पर पूरी बर्फ़ गिर चुकी है फ्रेश, और बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। तो करते हैं तैयारी और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देंगे। इसके बाद हमारी नई वीडियो शुरू होगी जो कि होगा असली एडवेंचर, असली अनचार्टेड सीरीज। बस हम तो निकल रहे थे आज ट्रैक पे, अभी सैम भाई को उठा रहा हूँ, उठ नहीं रहे, कह रहे तुम फटाफट अपना काम करो। तो मैं सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या कैरी कर रहे हैं, क्योंकि हमें 4-5 दिन के लिए नो नेटवर्क में रहना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, हमें सब कुछ अपना लेके जाना पड़ेगा। तो एक बार दिखा देता हूँ कि हम सब कुछ कैसे कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिप है इससे हमें पूरा कंपार्टमेंट पूरा बैग मिल जाता है और कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं। ये हमारा वाटर के जेरी कैंस है, मेरा स्लीपिंग बैग है, नीचे इधर हमारा टेंट है। सो गाइस ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा बैग। तो ऊपर से एक बार आपको दिखाते हैं ऊपर के कंपार्टमेंट में क्या रखा है। और जो एक खास चीज़ जो कि हमें, मतलब हमने अपने सेफ्टी के लिए सारे इक्विपमेंट्स भी कैरी करे हुए हैं, तो उसमें से एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये ऊपर से बैग पूरा ओपन हो जाता है, ये देख रहे हैं आप, ये है सेफ्टी हार्नेस। तो एक बार मैं दिखाता हूँ खोल के क्या है ये। ये हमारी बॉडी पे पूरी लग जाएगी और हम एक दूसरे को, मैं और सैम भाई एक दूसरे को रोप से बांध सकते हैं। बाई चांस अगर कोई रिवर क्रॉसिंग कर रही हो, कोई पत्थर को पकड़ के ऊपर चढ़ना हो, तो उसमें ये हेल्प करेगा। कुछ इस तरह से है ये हार्नेस और इसको हम अपने ऊपर पहन लेंगे और यहाँ पे हुक्स वगैरह लगे हैं, तो एक दूसरे को रोप से टाई करके अपनी सेफ्टी के लिए होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ट्रैकिंग के लिए चाहिए होती हैं। ये हमारा रेडी टू ईट फूड। अब वहाँ पे कुकिंग करना आसान तो नहीं है, वहाँ पे कुकिंग में टाइम लगेगा, तो हम साथ में लेके चल रहे हैं अपना रेडी टू ईट फूड। ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ये चना मसाला था, ये पनीर मेथी मलाई है, एंड ये है पनीर बटर मसाला। आपने देखे होंगे नॉर्मल छोटे वाले कैंस कैरी करते हैं, पर ये जो है ये वाला ब्यूटेन गैस, ये थोड़ा एक्चुअली ये हाई प्रेशर वाला होता है और हाई एल्टीट्यूड पे यही काम करता है। क्योंकि हम लास्ट टाइम खारदोंगला पे हमने जब कुकिंग करी थी तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये हमारा कैन है और ये हमारा छोटा सा स्टोव है जिसके अंदर हम अपना यूटेंसिल रखेंगे। तो आप देख लो कितना छोटू सा है ये। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा वहीं पे, अच्छे से दिखाया जाएगा आपको कैसे कैसे कुकिंग होने वाली, क्या एडवेंचर होने वाला है। तो एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस बैक टू आवर बैग। तो देख लो कुछ इस तरह से है हमारा बैग, यहाँ पे नीचे टेंट बंधा हुआ है और टेंट हम एक ही कैरी कर रहे हैं, 3% टेंट लेके आए जिसमें सैम भाई और मैं एक साथ रह लेंगे और ज़्यादा वेट भी कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी चल रही है पूरी तैयारी। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब हमें पूरी तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी है निकलने की, और ये सैम भाई तो उठने को तैयार ही नहीं है। तो इनको उठाते हैं और करते हैं अपनी तैयारी एडवेंचर की, द अनचार्टेड सीरीज। सो गाइस स्टे ट्यून्ड रहना और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद 4-5 डेज तक ब्लॉग नहीं आएंगे क्योंकि हम आउट ऑफ नेटवर्क रहेंगे और लिमिटेड सामान कैरी करना है। हमारे पास पावर बैंक्स होंगे जिससे हम काम चलाएंगे चार्ज कर करके। सो थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। इनको उठाता हूँ। सैम भाई, अरे सैम भाई उठो यार, बस थोड़ी देर भाई, यार थोड़ी थोड़ी देर नहीं, चलो निकलना है, बस थोड़ी देर और, उठो बस थोड़ी देर। अरे यार इनकी थोड़ी देर पूरी नहीं होती, उठो बस 5 मिनट। ब्रेकफास्ट आ चुका है। ओह माय गॉड, अब तो ब्रेकफास्ट आ गया।